की रश्मि फूड टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए अनियन पीनट सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। यदि आप पुरानी सैलेड से बोर हो चुके हैं तो आप इस तरह की सैलेड को ट्राई कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे मैं जो भी रेसिपीज या अनबॉक्सिंग लेकर आऊँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको इस तरह से कट कर लिया है छोटे पीस में। अब इसमें हम आधी टीस्पून रेगुलर सॉल्ट है हमारा, उसको डाल के इसको थोड़ी सी देर के लिए नमक में लगा के रख देंगे। अनियन को प्याज को अच्छी तरह से मिला के इसको साइड पे रख देते हैं एक बार। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप हमारा ये है, हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, ये होंगे 3 टेबल स्पून अप्रोक्स होंगे। इसको हम पानी में भिगो के थोड़ी सी दो मिनट के लिए रख देंगे, थोड़ी सी सोख हो जाए हमारी मूंगफली। अब इसको सोख होने के लिए रख देते हैं। इतनी देर में हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अभी हमें पैन हटा के मैंने यहाँ पर ये तड़का पैन रखा जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप चाहे तो तिल का भी तेल ले सकते हैं। तो ये 3 से 4 टीस्पून करीब ऑयल होगा। इसको हम गरम करेंगे। ये मेरे प्रेस्टीज का तड़का पैन है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी अब गरम नहीं कर रहे तेल को, पहले एक बोल में हम बड़े बोल में गार्लिक डालते हैं। 4 से 5 गार्लिक होगी जिसको बारीक कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च है जिसको गोल गोल कर लिए कट कर लिए। इसमें हमें बीज नहीं हटाने हैं, बाकी तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फ्रेश लाल मिर्च मिल जाए तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं हरी की जगह में। साथ में जाएगा इसमें 2 टीस्पून सफेद तिल है, 1/2 टीस्पून दरदरी काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून दरदरी लाल मिर्च है, वो भी इसमें डाल देते हैं। इतनी देर में ये सोख हो चुकी है मूंगफली, इसको मैं छान लेती हूँ। मूंगफली का पानी निथार दें, छान दें। अब हम इसको तेल को गर्म करेंगे, गैस ऑन करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम चीनी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून चीनी है, दानेदार वाली शुगर ही है। इसके ऊपर हमें गरम तेल डालना है। तेल गरम हो चुका है, गैस ऑफ करने की बजाय पहले हम पैन भी चढ़ा देते हैं। इतनी देर में मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली डाल देते हैं इसमें, इसका पानी हमें उड़ाना है मूंगफली का। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तीन टीस्पून करीब इसमें ऑयल डाला है, बाकी का इसको साइड में रख देते हैं। अब थोड़ा सा मूंगफली को भून लेते हैं। ये हमारा एक बार इसकी ड्रेसिंग तैयार है, तब तक मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। इसका पानी पूरा उड़ाना है मूंगफली का हमें। जब तक ये पानी उड़ रहा है इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिसको ब्लैक पसंद ना हो तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून करीब सोया सॉस डाल रही हूँ, चिंग्स की डार्क सोया सॉस है। हमें मूंगफली में एक स्मोकी फ्लेवर देना है, तो एक बार पानी पूरा उड़ जाए फिर बहुत थोड़ा सा तेल डाल के इसमें रोस्ट करेंगे हम मूंगफली को। आप मूंगफली की जगह काले वाले चने उबले या उबले छोले या स्प्राउट्स भी ले सकते हैं आप। तो मूंग की दाल के होते हैं जो साबुत मूंग वाले स्प्राउट्स, वो भी ले सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, गर्म ही ऑयल हमारे पास, जो बस इतना सा डालना है, बस एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मूंगफली के दानों में। गैस की फ्लेम में फास्ट ही है। जब तक हम अभी प्याज भी में भी नमक अच्छी तरह से लग चुका है, इसमें हम डालेंगे खीरा। ये इंग्लिश वाली खीरा है, आपके पास नॉर्मल हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने पूरा एक बोल छोटा लिया है, आधी खीरा होगी, काफी बड़ी आती है वो। साथ में ये हरा वाला प्याज है जिसका व्हाइट हिस्सा भी लेना है और ग्रीन वाला हिस्सा भी लेना है। 3 टीस्पून करीब होगा हरा प्याज, बाकी अपने हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको पसंद है। साथ में ये जाएगा हरा धनिया, डंठल से ही डालना है, डंठल नहीं हटाने इसके, अच्छे से धो के साफ करके। ये डंठल सहित ही लिए हैं मैंने यहाँ पर। मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी है,
नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने प्याज में नमक डाल दिया था पहले, इसलिए। अब हम इसको सबको एक साथ मिलाएंगे। ये हो चुकी मूंगफली, थोड़ा सा ठंडा हो जाए एक बार मूंगफली, थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं इसको, नहीं तो हमारी खीरा एकदम सौगी हो जाएगी। प्याज यदि गरम मूंगफली डाल दी तो किसी बोल में निकाल लेते हैं इसको, मूंगफली को इनको साइड में रख के इसे जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें धनिया वगैरह का जो फ्रेश वाली अपना टेक्सचर होता है उसको हटाना नहीं है मूंगफली गरम डाल के, इसलिए। अब असेंबल करेंगे हम इसको। अब हम इसमें मूंगफली डाल देते हैं, ठंडी हो चुकी है तो हमने ड्रेसिंग बनाई थी ये तेल की, इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं और जो हमने ये खीरा प्याज मिक्स किया था वो भी इसमें हम डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिला लें, बाकी मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, आपको अच्छा और स्पाइसी पसंद हो तो डाल सकते हैं आप इसमें। थोड़ा सा धनिया हम लास्ट में डालेंगे इसमें, बाकी नमक आपको कम लगे तो आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। सर्व करते हैं, तैयार है ये। तो लीजिए हमारे अनियन पीनट सैलेड तैयार है। थैंक यू।